हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 SST। मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां हम पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। मंत्रिपरिषद के शक्ति और कार्यों में देखें तो वास्तव में मंत्रिपरिषद ही एक प्रकार से सरकार चलाता है। शासन में नीति निर्माण की यदि हम बात करें, पॉलिसी मेकिंग की बात करें, डेली वेजेज के जो नियम कानून है, प्रशासन कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, कितनी मात्रा में चलाएगा, ये सारे काम कौन करता है? मंत्रिपरिषद ही करता है। इसके बाद उच्च पदों के लिए राज्यपाल से परामर्श, यानी कि जो सीनियर IAS हैं, अपने सचिव महोदय हैं, ये सब सरकार के अधीन ही होते हैं। उच्च पदों में जैसे जिन जिन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, जिन जिन ऊंचे पदों पर राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल को परामर्श के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। राज्यपाल स्वविवेक से कार्य नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा। इसको लेकर आर्टिकल है 163 अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल के परामर्श के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल के परामर्श के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को समय समय पर क्या देगी? राय देगी। और राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य यदि राज्यपाल महोदय नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, वैसे ही राज्यपाल महोदय राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। इसमें देखें आगे, विधान मंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, तो हमने देख लिया था कि सरकार की क्या क्या पॉलिसी होंगी, सरकार कैसे कैसे काम करेगी, ये सारे काम विधान मंडल में होने हैं। विधान मंडल में शासन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? शासन में प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मंत्रिपरिषद ही करेगा। सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार के मंत्रियों से क्या सवाल जवाब होने हैं, सरकार किस प्रकार से डिएक्ट करेगी, हमने देखा था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जवाबदेही होता है। मंत्रिपरिषद के ज्यादातर सदस्य लोकसभा से होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राज्यसभा में भी वो जाते हैं और राज्यसभा से भी वो जवाब लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद को आमंत्रित कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सकता है और वहां उनसे सवाल जवाब संभव हो सकते हैं। तो ऐसे में विधान मंडल शासन का प्रतिनिधित्व करता है और वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किसको कंट्रोल करता है? विधान मंडल में शासन के प्रतिनिधित्व कंट्रोल करता है, हर प्रकार के सवालों के जवाब देता है, हर प्रकार की नीति निर्माण की बात करता है, जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उनकी बातचीत भी, उनके जवाब भी वो देते हैं। फिर कानून निर्माण, कानून निर्माण की बात हम पहले ही कर चुके थे। कानून निर्माण का कार्य भी कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद ही करते हैं। हमने देखा था किसी भी कानून को बनाने से पहले हम क्या लेके आते हैं? विधेयक लेके आते हैं। विधेयक दो प्रकार के, एक सरकारी और एक गैर सरकारी, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक वह है जो कौन लेकर आता है? मंत्रिपरिषद लेकर आता है। गैर सरकारी विधेयक कौन सा है? वह है जो मंत्रिपरिषद के अलावा बाकी के सदस्य लेकर आते हैं, क्या कहलाता है? गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। हम पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां, शासन के नीति निर्माण। शासन भी दो प्रकार का, एक शासन तो वो जिसमें बड़ा पूरे 5 साल का एजेंडा होता है, पूरे 1 साल का एजेंडा होता है, बड़ी नीति निर्माण होती है। एक शासन वह है जो डेली विजेज का होता है, दिन प्रतिदिन का शासन, इसमें रोज कार्य करना होता है, रोज सरकार को देखना होता है, रोज क्या चल रहा है, डेली विजेज में कौन सी समस्या आने वाली है या आ चुकी है, वे सारी चीजें। उच्च पदों के लिए राज्यपाल को परामर्श, जिन जिन पदों के लिए राज्यपाल नियुक्ति करते हैं उन उन पदों पर मंत्रिपरिषद की सलाह होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल उन पदों पर नियुक्ति करते हैं।
विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, विधानमंडल में दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, और दोनों पर ही प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? राज्यपाल, ये मंत्री परिषद करते हैं, और सवाल जवाबों का सामना भी मंत्री परिषद को करना होता है। कानून निर्माण के कार्यक्रम में भी किसकी भूमिका है? मंत्री परिषद की भूमिका है। ज्यादातर विधेयक कौन से होते हैं? सरकारी विधेयक ही होते हैं, यानी कि सरकार के सदस्य कौन होते हैं? मंत्री परिषद। इनके अलावा जो भी सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो विधेयक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पहला सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी। जो सरकार के सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। जो सरकार के सदस्यों के द्वारा नहीं लाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। इसमें अगला बिंदु है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका, हमने पढ़ी थी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली कार्यपालिका होती है वास्तविक और दूसरी है नाम मात्र की। पहली कार्यपालिका वास्तविक और दूसरी नाम मात्र। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। और नाम मात्र की का अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल होता है। अब आपको यहाँ से देखना चाहिए कि जैसी स्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी होती है? पीएम की होती है, वैसी ही स्टेट गवर्नमेंट में किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री 164 अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य में विधानमंडल में बहुमत दल का नेता क्या होगा? सीएम होगा। बहुमत दल का नेता क्या होगा? सीएम होगा। और ये बहुमत कहाँ होना चाहिए? विधानसभा में होना चाहिए। 164 आर्टिकल उल्लेख करता है कि बहुमत दल का नेता क्या होगा? सीएम होगा। और यह राज्य का वास्तविक प्रशासन देखता है, राज्य का पूरा कार्यभार देखता है, और नाम मात्र का कार्यभार कौन देखते हैं? राज्यपाल महोदय। राज्यपाल महोदय भी राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो राज्य का वास्तव में शासक कौन होता है? सीएम ही होता है। सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही होती हैं, और मुख्यमंत्री पूरी तरीके से प्रशासन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यहाँ से सवाल अपने क्या आएगा? कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली कौन सी? वास्तविक और दूसरी नाम मात्र। वास्तविक का अध्यक्ष कौन है? सीएम। नाम मात्र की का अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। दूसरा आएगा मुख्यमंत्री पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो 164 में। मुख्यमंत्री पद की स्थिति जानने के बाद हम मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य को देखते हैं। तो इसमें पहली शक्ति है मंत्री परिषद का निर्माण। हमने देखा था मंत्री परिषद के निर्माण में मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। मंत्रियों के तीन प्रकार की बात की थी हमने, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और ये महत्वपूर्ण सवाल है, कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं, राज्य मंत्री कौन से होते हैं, उप मंत्री कौन से होते हैं, यही आज है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? दोनों में से कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो मंत्री परिषद और मंत्री मंडल में क्या अंतर है? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मंत्री परिषद और मंत्री मंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री, यानी कि तीन प्रकार के मंत्री हैं, वे सबके सब आते हैं, और मंत्री मंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री तो आते हैं मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट मंत्री। और मंत्री परिषद में कौन से आते हैं? सारे के सारे, यानी कि मंत्री परिषद में सभी मंत्री आ जाते हैं, तीनों प्रकार के, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो राज्य हो, और चाहे वो उपराज्य हो या उपमंत्री हो। तो ये बड़ा अंतर आपको समझ में आना चाहिए। सवाल आ सकता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? तो मंत्री मंडल में क्या होगा? केवल और केवल कौन होंगे? कैबिनेट के मिनिस्टर ही होंगे। तीन मंत्री की बात की थी हमने, कैबिनेट वाले, राज्य और उप। तो कैबिनेट वाले मंत्री इसमें शामिल होते हैं, और परिषद में सभी प्रकार के मंत्री क्या होंगे? शामिल होंगे। तो मंत्री परिषद का निर्माण करने का कार्य भी किसका है? मुख्यमंत्री साहब का ही है।
कौन कौन से मंत्री कितने प्रकार के कहां कहां जुड़ने वाले हैं। इसमें विशेष तौर पर यह भी ध्यान रखना होगा कि हमने बात की थी 91वां संविधान संशोधन, और इस संविधान संशोधन में ये उल्लेख किया गया है कि टोटल संख्या का कितना परसेंट से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। टोटल संख्या किसकी, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधानमंडल हो, चाहे वो संसद हो, संसद में भी 15% मंत्री ही होंगे, और राज्य विधानसभा में भी किससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, 15 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, टोटल 15% होंगे। तो राजस्थान में 200 का 15% कितना होगा, कुल मिला के लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 30% परफेक्ट बैठेगा। मंत्रियों के कार्य का बंटवारा, कौन से मंत्री को कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी, किस प्रकार का कार्य कौन सा मंत्री करने वाला है, कौन सा विभाग किस मंत्री के पास आएगा। हमने ये देखा था कि मंत्री दो प्रकार की शपथ लेता है, पहला तो गोपनीयता की शपथ लेता है और उसके साथ साथ कर्तव्य पालन की शपथ भी वो लेता है। पहली कौन सी लेता है, गोपनीयता की, और दूसरी कर्तव्य पालन की। यदि सामूहिक रूप से देखें तो ये विधान मंडल के प्रति, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं मंत्री परिषद, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, सीएम के प्रति जिम्मेवार होते हैं। ऐसे में मंत्रियों का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है मंत्रियों को काम बांटना। मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों को विभाग बांटना, कौन सा मंत्री क्या काम करेगा, कौन सा मंत्री किस विभाग का मुखिया बनेगा, और अगर वो काम प्रॉपर नहीं कर पाता है तो उसे परिवर्तन करने का अधिकार भी किसके पास होगा, मुख्यमंत्री। केंद्रीय कैबिनेट की यदि हम बात करें तो उसमें स्मृति ईरानी को पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, लेकिन बाद में उन्हें फिर कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये सारे काम भी कौन करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय ही करेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, बहुत बार आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल में समन्वय नहीं हो पाता है, बहुत सारे दलों की सरकारें होती हैं जिसमें एक से ज्यादा दल कार्य करते हैं, ऐसे में उनमें समन्वय बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और मंत्रिमंडल में सभी को साथ लेकर चलना बड़ा टेढ़ा काम होता है। वर्तमान में केंद्र की बात करें तो यूपीए और एनडीए दो प्रमुख संगठन हैं, गठबंधन हैं। वर्तमान में किसकी सरकार है, एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। अगर इन दोनों संगठनों को देखें तो इसमें बहुत सारे दल मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन इन सब दलों के मंत्री भी बनते हैं जब सरकार बनती है। अभी एनडीए की सरकार है, रामविलास पासवान बिहार से संगठन में आते हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसी स्थिति में जो सहयोगी दल है उनको भी मंत्री परिषद में सदस्यता दी जाती है और उनको भी साथ लेकर चला जाता है। तो ऐसे में मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा भी बहुत पूर्ण तरीके से, और कार्यों का संचालन भी विधि के अनुसार सही तरीके से सबको साथ लेकर होना चाहिए। विभिन्न विभागों में समन्वय, बहुत बार देखा है रेलवे सड़क परिवहन से साथ नहीं पड़ती, उसकी पीडब्ल्यूडी की सड़क वालों से नहीं पड़ती, क्योंकि सड़क पहले बना ली जाती है, बाद में लाइनें डाली जाती हैं, रेलवे लाइनें डाली जाती हैं, बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, सीवर डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में विवाद रहता है। ये किसके कारण हुआ, किसके कारण हो रहा है, क्योंकि दोनों विभागों में समन्वय की कमी होती है, कम्युनिकेशन की कमी होती है। दोनों विभाग यदि मिलकर कार्य करें तो ऐसी समस्या हमारे सामने आएगी ही नहीं, लेकिन दोनों विभाग मिलकर कार्य कर ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, और दोनों विभागों में तनातनी होती है। बहुत बार हमने देखा है कि एक विभाग दूसरे विभाग को फाइल ट्रांसफर करता ही नहीं है, और जो कार्य बहुत कम समय में होना चाहिए था वो बहुत लंबे समय तक अटक जाता है। मंत्री परिषद और राज्यपाल की बीच की कड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमने देखा मंत्रियों के प्रकार कितने हैं, 3। कोई भी मंत्री यदि राज्यपाल से मिलना चाहता है, कोई भी मंत्री किससे मिलना चाहता है, राज्यपाल से, तो परमिशन किसकी लेनी होगी, सीएम की परमिशन लेनी होगी। मंत्री किससे मिलना चाहता है, राज्यपाल, तो परमिशन किसकी लेनी होगी, सीएम की। राज्यपाल किससे मिलना चाहता है, मंत्री से, तो भी परमिशन किसकी लेनी होगी, सीएम की। अर्थात
कोई भी मंत्री बिना सीएम को कारण बताए, बिना सीएम की परमिशन के किससे नहीं मिल सकता है? राज्यपाल से नहीं मिल सकता है। राज्यपाल किसी भी मंत्री से वार्तालाप करना चाहता है, शासन संबंधी कोई क्वेश्चन करना चाहता है, किसी प्रकार की कोई जवाबदेही जानना चाहते हैं, तो पहले परमिशन किसकी लेनी होगी? सीएम से। सीएम के आदेश पर ही मंत्री कहाँ जा सकता है? राज्यपाल से मिलने जा सकता है, आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर। इसमें विधानसभा का नेता, हमने ये देखा विधानसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है, विधानसभा में जो प्रमुख नेता होता है, विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनकर आ जाता है, यानी कि जिसको बहुमत, जिस दल को बहुमत मिलता है, वही क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। अर्थात विधानसभा के बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? सीएम कहलाता है। तो हमने मुख्यमंत्री के कार्य पढ़ लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है 12th बोर्ड में, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी था ये, और राजस्थान आरबीएससी के सिलेबस में भी है। आपको ध्यान होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले साल भी आपके सिलेबस में एज इट इज ही आएगा। मंत्री परिषद के निर्माण की यदि हम बात करें तो मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। सॉरी, ये 11वें में भी है, 12वें में भी है, एनसीईआरटी में भी और राजस्थान बोर्ड में भी है, 10th में भी आपके पास ये आ रहा है। इसलिए 3 साल पढ़ने की बजाय इसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ लें, ताकि रिवीजन ही आगे होता रहे। मंत्री परिषद का निर्माण कौन करेगा? मुख्यमंत्री अपनी इच्छा अनुसार करेगा, क्योंकि जिम्मेवार भी कौन होगा? मुख्यमंत्री ही होगा। मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा भी कौन करेगा? सीएम ही करेगा। मंत्री मंडल के कार्यों का संचालन किस प्रकार से कौन क्या करेगा, ये भी कौन बताएगा? मुख्यमंत्री ही बताएगा। सभी विभागों को साथ लेकर चलने की, समन्वय स्थापित करने की जिम्मेवारी किसकी है? सीएम साहब की है। मंत्री परिषद राज्यपाल की बीच की कड़ी, राज्यपाल को किससे मिलना है? मंत्री से, तो किससे पूछना पड़ेगा? सीएम से। मंत्री को किससे मिलना है? राज्यपाल को भी किससे पूछना पड़ेगा? सीएम से। विधानसभा का नेता कौन होता है? बहुमत दल का नेता क्या होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है, और वही क्या बनता है? सीएम भी बनता है।